जम्मू काश्मीर अनंतनाग जिला में बुधवार आतंकियों एन्काउंटर में देश बे जांबाज ऑफिसर शहीद थे। एक कर्नल, एक मेजर और एक डीएसपी था। सेना जवानों कोकिन नाग विस्तार में जवानों पर हुमला कावतराखोर आतंकवादी छुपायेला होवानी बातमी मिली थी, जेना आधार सेना की एक टीम त्या पहुंची और विस्तार की घेराबंदी कर दी थी। बन्ने बाजू फायरिंग शुरू थी गयु और सेना राष्ट्रीय राइफल यूनिट कमांडिंग ऑफिसर मनप्रीत सिंह, कंपनी कमांडर और मेजर आशीष धोनेक और जम्मू काश्मीर पुलिस में डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद थे। जानकारी प्रमाण सेना विश्वसनीय गुप्तचर सूत्रों पास थी आतंकियों मूवमेंट की जानकारी मिली थी, जेना आधार घेराबंदी फूल प्रूफ बनाव्यो तो प्लान और विस्तार में सेना अधिकारियों नेतृत्व में आग बढ़ी रहा था। जयरे सेना की टीम ऊंचाईवाड़ी जगह पर चढ़ी तरह पहले थी छुपायेला बे थी त्रण आतंकवादी गोलीबार शुरू कर दीधो, जेमा कर्नल घटनास्थले शहीद थे। जयरे अन्य बे अधिकारी ने गोली वागता तमने हवाई मार्गे श्रीनगर की एक हॉस्पिटल में खसेड़वामां आव्या, ज्यां तेमणे पोताना अंतिम श्वास लीधा। भारत में घुसणखोरी करनारा आतंकवादी द रेजिस्टेंट फ्रंट एंड केटीआरएफ साथ जोड़ायेला छे। आतंकी संगठन टीआरएफ हुमलानी जवाबदारी लीधी छे। प्रतिबंधित रेजिस्टेंस फ्रंट ने पाकिस्तान स्थित लश्करे तोयबा साथ जोड़ायेला आतंकी संगठन मानवामां आवे छे। हाल में अनंतनाग विस्तार में सेनाना जवानोए सर्च ऑपरेशन चालू कर्युं छे, जेमां उजेर खान सहित लश्करे तोयबाना आतंकवादी सेना में घेरामां छे। सेनाना जवानों ने आतंकवादियों वच्चे फायरिंग चालू छे। आतंकवादियों साथेनी अथडामण में भारतना कया वीरे शहीदी वरी छे तेनी जो बात करिए तो कर्नल मनप्रीत सिंह के जो शहीद थया, मेजर आशीष धोनेक शहीद थया छे, जम्मू काश्मीर पुलिस ना डीवायएसपी हुमायूं भट्टे पण शहीदी वरी, राइफलमैन रविकुमार राजौरी में थयेली अथडामण में शहीद थया छे। गडोल कोकरनाग में एंटी मिलिट्री ऑपरेशन लगातार जारी है और इस वक्त हम जिस पॉइंट पर खड़े हैं यहां से आगे मीडिया की एंट्री जो है वो बार कर दी गई है, क्योंकि इसके आगे आप देख सकते हैं पूरे इस इलाके को कॉर्डन में ले लिया गया है। और कल से जो ये एंटी मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है जिसमें तीन जो है सिक्योरिटी ऑफिसर शहीद हुए हैं, जिसमें कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूं भट्ट, जिनकी शहादत कल यहां पर देखी। और उसके बाद से इस इलाके में ऑपरेशन को इंटेंसिफाई किया गया है और जो एडीजीपी कश्मीर है उनके मुताबिक लश्कर तैयबा के 2 से 3 मिलिटेंट को जो है घेरे में ले लिया गया है और उसमें एक लोकल मिलिटेंट उजैर खान जो यही साउथ कश्मीर के कोकरनाग का ही रहने वाला है उसको भी है जो है कॉर्डन में ट्रैप कर लिया गया है, उनके खिलाफ जो है ऑपरेशन चल रहा है। और कल से ही यहां पर एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट भेजी गई थी, जब सर्चिंग पार्टी ऊपर गई थी जंगल में जहां पर मिलिटेंट्स के छुपे होने की आशंका थी और उन पर घात लगाकर मिलिटेंट्स ने हमला किया था और उस हमले में जो है ये तीन अधिकारी शहीद हुए थे। हालांकि डीएसपी की बॉडी जो है वो कल ही रिट्रीव कर ली गई थी और उसके बाद उनका जो है अंतिम संस्कार किया गया, श्रीनगर में उनको दफनाया गया और ये बताया जा रहा है कि कुछ एक बॉडी जो है आज भी यहाँ पर मिली है और हो सकता है वो सीओ या मेजर की बॉडी हो। लेकिन उसके अलावा जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें सेना के जो माउंटेन स्पेशल कमांडोज है उनको यहाँ पर लाया गया है, स्नैफर डॉग्स लाए गए हैं, ड्रोन से पूरे इलाके की तलाशी ली जा रही है। एक तो मिलिटेंट्स को ट्रैप कर लिया गया है जिस तरह से एडीजीपी कश्मीर ने बताया है, उनकी लोकेशन कहीं ना कहीं जो है उसको ट्रैक कर लिया गया है और अब उनको घेरे में ले लिया गया है। हालांकि सुबह से यहां पर कोई भी एक्सचेंज ऑफ फायर देखने को नहीं मिला है लेकिन ऑपरेशन जो है बहुत ही इंटेंसिफाई किया गया है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के सभी विंग्स इन्वॉल्व हैं, सेना है, सीआरपीएफ है, जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है। कोशिश ये है
है कि जो मिलिटेंट्स यहां पर छुपे हुए हैं, जिनके लिए सर्चिंग पार्टी कल चली गई थी और उन्हें जो ट्रैप कर लिया गया है उन्हें जल्द से जल्द जो है न्यूट्रलाइज किया जाए और जो शहीद हुए हैं उनका बदला लिया जाए, इसकी कोशिश जो है लगातार यहां पर चल रही है। और सेना के साथ साथ इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है और सीआरपीएफ है जो ये ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं। कैमरा पर्सन इफ़ाम मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया का डोलको करना। फिर से एक बार आप देखिए, एक बार यहाँ गोलाबारी जो है शुरू हो गई है। आप इस पहाड़ियों की तरफ से जहाँ घेरे में इसको ले लिया गया है, फायरिंग और धमाकों की आवाज सुनाई देती है। और ये आप देखिए, ऐसा लग रहा कि जो मिलिटेंट ट्रैप किए गए थे उनको जो है उनके साथ कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ है। जैसा कि डीजीपी ने कहा था कि लश्कर तैयबा के दो मिलिटेंट्स को ट्रैप किया गया था और कल उन्होंने यहां पर एक बड़ा हमला अंजाम दिया था जिसमें सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को नुकसान उठाना पड़ा था। और आज यहां पर सुबह से सर्च को इंटेंसिफाई किया गया, स्नाइपर डॉग्स लाए गए, ड्रोन से इस इलाके को सर्च में लाया गया। इसके अलावा जो सेना की मॉनिटरिंग स्पेशलिस्ट टीम है वो उसको जो है उसका उसकी सेवा ली गई, उनको यहां पर लाया गया है। और लगातार इस इलाके में जो है कहीं ना कहीं सर्च ऑपरेशन बीती रात से ही चल रहा था और अभी जो है एक फायरिंग जो हमने सुनी है यहां पर, उससे पहले एक धमाके की आवाज हुई है। लग रहा है कि कॉन्टैक्ट एक बार फिर से यहां एस्टैब्लिश हुआ है। हालांकि बीती रात कहा जा रहा है कि 2 से 3 बजे के बीच भी गोलियों की आवाज यहां पर सुनाई दी गई थी और इस वक्त फिर से एक बार जो है फायरिंग की आवाज यहां पर सुनाई दी गई है। कैमरा पर्सन इफ़ाम मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया गडोल को करना। तो अनंतनाग में अत्यार सुधीनो आ सौथी मोटो आतंकी हुमलो अने तेने लईने वातचीत करवा अमारी साथे जोडाई गया छे रक्षा विशेषज्ञ जयदेव जोशी अमारी साथे जोडाई गया छे। जयदेव जी आपनो स्वागत छे जी 24 कलाक में। जयदेव जी, अनंतनाग विस्तार के ज्यां सतत गतिविधिओ जे आतंकी प्रवृत्तिओ छे तेनी गतिविधिओ सतत चालती रहती होय छे, आ अत्यार सुधीनो सौथी मोटो हुमलो शुं कहेशो तेने लईने पहेला तो? सर्वप्रथम तो यस, आपणे एग्री करीए अने के आ सौथी मोटो हुमलो छे अने आपणे श्रद्धांजलि अने सांत्वनाओ आपीए ए परिवारने के जे परिवारे आ जांबाज जवानोने गुमाव्या छे। अने दे आर नॉट एनी ऑर्डिनरी सोल्जर्स। दीक्षिता जी, आपना माध्यमथी जो वात करीए तो कर्नल मनप्रीत जे छे एमणे 2021 सेना मेडलथी नवाजवामां आव्या हता अदम्य साहस माटे। जे बीजा जे मेजर छे, मेजर अशोक ढंचोक, એમને પણ આજ 15 ઓગસ્ટ આસપાસ સેના મેડલથી નવાજવામાં આવ્યા હતા। તો બહાદુરીની મિસાલ જેવા બંને આ અધિકારીઓ સૈન્યના અને જે ડીવાયએસપી છે પોલીસના, એમની પણ એક હ્યુમન સ્ટોરી પણ છે। લગભગ માત્ર 2 મહિના જેટલી નાની એમની દીકરી અને એમના ફાધર પણ આઈજીપી રહી ચૂક્યા હતા, આજે શહીદ થયા પોલીસ ડીએસપી એના। સો ધ ડેકોરેટેડ, ખૂબ ડેકોરેટેડ, સારા અને લીડિંગ ફ્રોમ ધ ફ્રન્ટ, કોઈ પણ એ મિશનને આગળથી પોતે જ નેતૃત્વ આપીને લીડ કરે એવા ત્રણેય અધિકારીઓ હતા। આપણે એમને ગુમાવ્યા છે, એમને શ્રદ્ધાંજલિ, પરિવારને સાંત્વના આપીએ। આપે કહ્યું એમ બહુ મોટો હુમલો, યસ બહુ મોટો હુમલો। ઓગસ્ટના 2-3 અઠવાડિયામાં જેમાં આપણા ગુજરાતના પણ એક જાંબાઝ જવાને એમનું જીવ ગુમાવ્યું હતું અને એ દ્રશ્યો આપણે સૌએ જોયા છે, એ પછી આ બહુ મોટો હુમલો થયો છે। અને આમ જો જુઓ કે કોઈ સૈન્યના કમાન્ડિંગ ઓફિસરે પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો હોય, એવડું મોટું ઓપરેશન થયું હોય, તો આ 3 વર્ષમાં નહોતું થયું એવું ઓપરેશન થયું છે। અને એ સમયે કે જ્યારે ટેરરિસ્ટ એક્ટિવિટીમાં ખૂબ મોટો ઘટાડો આવી રહ્યો હતો, 2018 માંડીને 2023 આપણે આંકડાઓ જોઈએ તો ઉત્તરોત્તર એમાં ઘટાડો આવતો હતો, એમાં આ પ્રકારનું ઓપરેશનની બાતમી મળે, આપણે એના માટે જઈએ અને ત્યાં જેને કાઉન્ટર એમ્બુશ કહેવાય છે, દીક્ષિતાજી આપણા દર્શકોને આપણે આગળ એના પછી વાત કરી શકાય કે કઈ રીતે ઇન્ટેલિજન્સ મળી આપણે ત્યાં ગયા। પણ ઘણી વાર આ ઇન્ટેલિજન્સ, આ માહિતી, આ જે આપણને જાણ થતી હોય છે એ ડબલ એજ્ડ હોય છે, દો ધારી તલવાર જેવું કામ છે। સેનાને જે ઇન્ફોર્મર કે જાણીતો ગુપ્ત એવો સોર્સ એ બંને તરફ ક્યારેક કામ કરતો હોય છે અને આ ઓપરેશનમાં એવી સંભાવનાઓ સેવવામાં આવી રહી છે।